Mashal is a common emblem of both enlightenment and hope. It also spreads the message of peace and friendship between the people. Mashal is a light for spirit, knowledge and life. It is a symbol of peace and unity. It is a common symbol of revolution also. Light enlightens the hope and encourages. नाम की चलो जी देखिए यहाँ पे मोगा आके सबसे पहले तो बड़ा खुश हूँ मैं। उसका रीजन जैसे ही मैं मोगा पहुंचा, ये जो प्यार देखा मैंने, सबके चेहरे पे खुशी है और बहुत दिल से मेरी खुशामदीद की है, तो हमेशा अच्छा लगता है। देखिए दिल से प्यार मिलता है जहाँ पे भी, बहुत अच्छा लगता है। और मोगा आके मुझे ऐसा लगा कि यार दोबारा आना चाहिए। हालांकि मेरा ये बहुत क्विक ट्रिप है, इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड करूंगा नेक्स्ट टाइम थोड़ा ज्यादा वक्त बिताऊं यहाँ पे। स्कूल की तरफ से जो गेम करवाई जा रही है और लोगों को क्या अपेक्षा करेंगे? देखिए बीबीएस स्कूल में ये तो 16वां एडिशन है, बहुत सारी गेम्स हो रही है यहाँ पे। मैंने देखा जिस तरह से बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, एक बात तो साफ नजर आई है कि यहाँ पे इस कल्चर को डाला गया है स्कूल में लगातार। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको अलग अलग एक्टिविटीज करना, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आपकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। मैं तो हालांकि 10 तक ही पढ़ाऊँ और उसमें मैंने जो पढ़ाई की सारी पढ़ाई मेरी क्रिकेट के थ्रू हुई है। मैं लकी था कि मैं ट्रैवल कर सका, मुझे अलग अलग एक्सपोजर मिला, लेकिन स्कूल में अगर इतनी सारी गेम्स होती है तो फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत एक्सपोजर मिलेगा बच्चों को और बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के पता चल रहा है कि बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे पढ़ाई भी हो रही है और बाकी एक्टिविटीज भी हो रही है। आज के यूथ को क्या मैसेज करना चाहोगे? आज के यूथ को देखिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है और सभी का एक्सपोजर बढ़ गया है और सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है हर किसी की ज़िंदगी में, तो वहाँ पे अपने आप को एक रियलिटी के साथ आगे बढ़ा के मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी फैमिली को हमेशा वैल्यू दीजिए, क्योंकि अगर इतना सारा जो लाइटें लगती है सोशल मीडिया में और आपको लगता है कि वही रियलिटी है, लेकिन असली रियलिटी जो है वो आपकी फैमिली है। आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी, आप आपकी फैमिली के साथ रहेंगे तो आपको ना तो कभी किसी डिप्रेशन का सामना करना होगा, ना तो फिर आप किसी मुसीबत से ज्यादा देर तक अकेले लड़ेंगे। तो फैमिली का साथ बहुत जरूरी है। सर, क्रिकेट को ज्यादा प्रफुल्लित करने के लिए और क्या सरकार को कदम उठाना चाहिए जो नहीं उठाए? हाँ देखिए, क्रिकेट तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बहुत आगे बढ़ रहा है और अभी और उसका ग्रोथ होना बाकी और बहुत अच्छा काम चल रहा है। बाकी स्पोर्ट्स में तवज्जो देने की जरूरत है और मुझे लगता है कि हम दे रहे हैं और अगले 10 साल में मुझे लगता है कि जो हमारा मुल्क है भारत, वो एक स्पोर्टिंग नेशन बन के उभर आएगा। जो नौजवान नशों में लिप्त है पंजाब में ज्यादा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए जिंदगी से बड़ा नशा कुछ भी नहीं है, जिंदगी का नशा करिए बाकी नशे। मैं जहाँ पे जिस मुकाम पे आज पहुंचा हूँ, मैं मुल्क को खेला हूँ, मैं गुजरात बड़ौदा जैसे छोटे शहर से आया हूँ, मैंने ना आज तक कभी शराब पी है, ना तो कभी सिगरेट का नशा किया है। मैं हमेशा और यही बाकी जो मेरे नौजवान बच्चे हैं उनको यही सलाह देता हूँ कि आप अगर जिंदगी का नशा करेंगे उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपको अपना स्पोर्ट्स कुछ पकड़ लीजिए, आप स्पोर्ट्स के पीछे भागिए, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो या कोई भी स्पोर्ट्स है, उसमें जो आपको
कामयाबी मिलेगी, खुशी मिलेगी, उससे ज्यादा आपको कुछ और कहीं पे नहीं मिलेगा। क्योंकि वो जो नशा आप करते हैं वो थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट्स, वो आपको पूरी जिंदगी भर उसका फायदा देती है। तो आप जिंदगी का नशा करिए, बाकी नशे छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया पर सुनने में आ रहा है कि कुछ कलकत्ता टीम के द्वारा जो है क्रिकेट प्लेयर्स की खरीदो फरोख्त की जा रही है, उसको आप कैसे देखें? क्या क्या करके जा रहे हैं क्रिकेट? नहीं नहीं, यूसुफ पठान और इरफान पठान, अपना भी जिंदगी का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो क्रिकेट में आप कर रहे हैं। देखिए, हमारा एक्सपीरियंस तो हमने जो शुरुआत की थी क्रिकेट की, जिस मैदान में हमने क्रिकेट की शुरुआत की थी, ना तो पिच पे वहां पे कभी हमने टर्फ विकेट देखी थी, ना तो मैदान में हमने घास देखी थी, हम सीमेंट पिच पे खेल के बड़े हुए हैं। और एक बात है जो आजकल के बच्चे शायद नहीं जानते, कि हम खुद रोलिंग करते थे पिच को, आधा घंटा पहले सबसे पहले आना, रोलिंग करना, बैटिंग लगाना, नेट लगाना, और उसके बाद फिर बैटिंग करना, बॉलिंग करना, वो जब खत्म हो जाए सबसे पहले आना और खत्म होने के बाद सबसे आखिर में निकलना मैदान से। और इसी वजह से ऊपर वाले ने मुझे और मेरे भाई को कामयाबी के लिए जो कामयाबी दी है वो मेहनत की वजह से। आपकी चर्चा है कि मेरी नहीं सर, मेरी कोई राजनीति में आने की कोई अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। सर, हमारा भी दिल टूटा है और हमारी जो टीम है जो लड़ रही थी, जो मेहनत कर रही थी, उनका भी दिल टूटा है। उम्मीद यही करेंगे आने वाले वक्त में इसको जोड़ा जाए, अच्छा क्रिकेट खेल के, जो अच्छा क्रिकेट खेली है। थैंक यू।